वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्ण वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 का जो सेल सेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। मेरे अक्टूबर में जो सेल सेक्शन है वो दो हैं, 70 वाला भी है और 100 वाला भी है। तो 70 वाला मैंने अवेल नहीं करा, बाकी मेरे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और ऑर्डर 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो 70 वाला भी मैं अवेल कर लूँगी। बाकी अभी जो मेरे पास 100 वाला मैं अवेल कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए उसकी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ कि सेल सेक्शन जो 100 पीपीस पर कंप्लीट करने पर मिलता है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आए। तो ये है सबसे पहले मेरे पास जो क्रीम है, बेरी मेरी की हैंड क्रीम है। ये बहुत ज़बरदस्त हैंड क्रीम है, 75 ml है। इसकी खुशबू बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही लाइट फेम इसकी खुशबू है। इसकी ये ना जैसे कि मैजिक गार्डन हैंड क्रीम की फ्रेगरेंस थी ना, इस टाइप की इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत ही प्यारी सी। एंड जो बेरी मेरी जैसे इसका नाम है, तो बेरी जैसी खुशबू है इसके अंदर। और नेक्स्ट मेरे पास फेमिनल ड्योडोरेंट, रिफ्रेशिंग इंटीमेट ड्योडोरेंट है ये। इसका भी बहुत अच्छा पर्पस है, जैसे कि इंटीमेट है इस तरह का है इसका भी पर्पस। और ये ड्योडोरेंट जिस तरह से होता है ओरिफ्लेम का, सेम उसी तरह है। और ड्योडोरेंट स्प्रे है, आपने इसको अपना ड्योडोरेंट स्प्रे की तरह करना है, और ये आपके ब्लैक जो एरिया है उसको थोड़ा सा वाइटनिंग लुक देगा और आपके पसीने को रोकेगा। एंड जो पसीने की वजह से जो स्मेल बन जाती है उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम करेगा वो काफ़ी हद तक। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि और फिर हम के डिओडोरेंट हैं उसी तरह का इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास प्योरीफाइंग ऑप्टिमल का प्योरीफाइंग बूस्टर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बूस्टर है, ये आपकी स्किन के जो जो स्किन पर ब्लैक निशानात हो जाते हैं, जो एक्नी वगैरह बनती है और वो बैठ जाती है, उसके बाद ब्लैक निशानात रह जाते हैं या डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो उसको ये क्लीन करता है। ये 15 ml है और ये जो है ये 75 ml, ये भी 75 ml है, ये भी 75 ml है और ये 15 ml है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ ये किस तरह का बूस्टर है। ये इतनी सी छोटी सी पैकेजिंग में होता है, 15 ml है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन पे, जिसकी स्किन पे ब्लैक निशानात होते हैं उनको प्योरीफाई करता है, उनकी स्किन पे से ब्लैक निशान ख़त्म करता है और उनकी स्किन पे बहुत अच्छा लुक देता है। आपने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बूस्टर का काम होता है आपने उसको किसी भी क्रीम के साथ, ऑप्टिमल की क्रीम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर कोई और सी हो तो कोई मसला नहीं, पर ओरिफ्लेम की होनी चाहिए। तो आपने उसको क्रीम लेनी है, थोड़ी सी मिकदार में क्रीम लेना है, उसको अपने हाथ पे निकालना और इसको खोल के इसके 2 ड्रॉप्स, ठीक है, 2 ड्रॉप्स लेना है और उसको मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा लें, तो फिर इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। तो आपने कोई सा भी बूस्टर हो उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। जो बूस्टर होते हैं ना उसका जो काम होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट देना होता है। सीरम का काम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो आप अपने स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक उसका रिजल्ट होता है, पर बूस्टर आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है और फटाफट आपको अपनी स्किन पे अच्छा सा लुक चाहिए या फ्रेश लुक चाहिए, वाइटनिंग लुक चाहिए, प्योरीफाई लुक चाहिए, तो आप अपना स्किन अकॉर्डिंग जो भी बूस्टर का रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप वो वाला बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज वाला बूस्टर है, विटामिन सी है, तो आपकी स्किन जो विटामिन सी का लुक देता है और बहुत सॉफ्ट बनाता है, तो वो भी बहुत बेस्ट है, वो भी आप किसी क्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक नरिशिंग वाला बूस्टर है, वो भी आपकी स्किन पर नरिशिंग लुक देता है और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट बूस्टर लास्ट में आप किसी क्रीम के साथ ही यूज़ करें, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें। डायरेक्ट अप्लाई करने से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, क्रीम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास लव नेचर के हाइड्रेट एंड क्लैरिफाई शीट मास्क, ऑल स्किन टाइप है विथ ऑर्गेनिक पोमेग्रेंट है। इसके अंदर पोमेग्रेंट इसका इंग्रेडिएंट है और शीट मार्क्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आपको अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, तो आप शीट मार्क्स यूज़ करें। आपको कहीं जाना है, इमरजेंसी में, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बर्थडे में जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपने शीट मार्क्स लिया, लगाया, थोड़ी देर छोड़ा, उसके बाद आपने वॉश करा, वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही जब सो जाता है और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, वाइटनिंग लुक आता है। आपने कोई भी आप फेशियल करवाते हैं उसका भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना अच्छा शीट मार्क्स का। और ये 15 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक इसका रिजल्ट रहता है ये पोमेग्रेंट वाला। इसके अलावा एक और शीट मास्क भी ओरिफ्लेम है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ओरिफ्लेम के जो शीट मास्क है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोग उसको ज़रूर यूज़ करें, मेरी तरफ से ही रेकमेंड है ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है मेरे पास क्रैनबेरी ब्लीस मल्टीपर्पज़ क्रीम विथ क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। ये वाली जो क्रीम है ना, ये मल्टीपर्पज़ है, जैसे कि मैंने मैजिक गार्डन की क्रीम आपके साथ शेयर की रही थी और मैजिक गार्डन का क्रैनबेरी ब्लीस का शावर जेल किया था, तो ये उसी की है ये। और ये मल्टीपर्पज़ है, ये आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी जो विंटर है उसमें ज़्यादा आप लोग यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। आपको जो ड्राइनेस है उसको भी कवर करेगी, आपको वाइटनिंग लुक भी देगी, सॉफ्टनेस भी देगी, ग्लोइंग लुक भी देगी। ये मल्टीपर्पज़ है, इसके ऊपर सब मेंशन हुआ है।
ये जो है इस तरह से सील है और ये काफ़ी बड़ा जार है, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में है, ये 150 ml है और ये काफ़ी चलेगी। ज़रा सी थोड़ी सी लेनी होती है और आपके आराम से पूरे फेस पे पूरे हाथ पे आराम से जब्स हो जाती है, लग जाती है। इसमें ज़्यादा से कोई चिपचिपाट भी नहीं होती, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का जो मेरे पास जो वीडियो है इसमें मैंने पूरा अक्टूबर का जो सेल सेक्शन है 100 BBs वाला उसको आपको दिखाया है, कौन सा क्या सेल सेक्शन है और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया अच्छा सेल सेक्शन या कोई अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।